बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर बाढ़ से बेहाल है, तबाही की तीन तस्वीरें आपके सामने, श्रीनगर, नवसेरा और पुंछ की। जम्मू में कल धूप निकली थी इसलिए वहां थोड़ी राहत है, लेकिन घाटी का हाल और खराब हो गया है। सड़क कट गई है, हर जगह पानी ही पानी, 13,000 से ज्यादा बिजली के खंभे पानी से बेकार हो चुके हैं, 2 दर्जन से ज्यादा ट्रांसमिशन टावर बाढ़ की चपेट में है, जिसका मतलब है कि बिजली पूरी तरीके से ठप है, साथ ही टेलीफोन और बाकी सुविधाओं को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। पूरी तरीके से ठप टेलीफोन सुविधाएं भी, खासकर लैंडलाइन। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से हालात जो है गंभीर है, तबाही का आलम फिलहाल कम होता नजर भी नहीं आ रहा है। जलमग्न जम्मू और कश्मीर में अगले 24 से 48 घंटे भारी बारिश का अनुमान है। इन बेअंदाज लहरों को देखकर ही रूह कांप जाएगी। पानी की डरावनी आवाज अच्छे अच्छों के होश फाख्ता कर रही है। रातों रात उज्ज दरिया में 1,70,000 क्यूसेक के करीब पानी आ गया। इंसान बह गए, जानवरों और फसलों की तो बात ही छोड़िए। नदियों को पाटने वाले पुल अपना वजूद खोते हुए दिखे। दरियाओं के आसपास के गांव के पते बदल गए। प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। दूर दूर तक पानी ही पानी देखा जा सकता है। आहत प्रधानमंत्री ने बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने में जरा भी देर नहीं की। प्रधानमंत्री ने राज्य को तुरंत 1,000 करोड़ की विशेष सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने राज्य के लोगों के दर्द और व्यथा को साझा भी किया। लेकिन गंभीर बात यह है कि खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कश्मीर में कई जगहों में अगले 48 घंटे बेहद भारी हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के 48 घंटों तक रुकने के कोई आसार नहीं है। मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़, भूस्खलन और मकानों के गिरने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से राज्य में मौत और तबाही मची हुई है। सिस्टम की इंटरेक्शन या कन्वर्जेंस की वजह से जम्मू कश्मीर में भारी से बहुत भारी बारिश 3 दिनों तक रिकॉर्ड करी गई। आज भी दो तीन स्टेशन में भारी से भारी बारिश रिकॉर्ड करी गई है, जिसमें कि कटरा है 21 सेंटीमीटर रिपोर्ट करी, जम्मू ने 7 सेंटीमीटर रिपोर्ट करी है, बनिहाल ने थोड़ी कम रिपोर्ट करी है। पर अब जो आज की जो स्थिति है उसमें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट्स में है। अगले 24 घंटे के लिए फिर भी भारी बारिश की 1-2 स्थानों पर वार्निंग दी गई है। जाहिर है भारी बारिश की वजह से पहले से ही अपनी दहलीज से बाहर निकली दरियाओं को रोक पाना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों से खतरे से दूर रहने की अपील की है। जिन लोगों की जान गई उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए की सहायता प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें 5,000 टेंट दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री राहत कोष से 1,00,000 कंबल खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही हवाई मार्ग से दवाओं की एक खेप खाने के सामान के साथ भेजी जा रही है। अगर मौसम विभाग का अंदेशा सही साबित हुआ तो घाटी की तस्वीर और बदतर हो जाएगी। नदियों में पानी बढ़ेगा और नए इलाकों में पानी घुसने का खतरा बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा खतरा महामारी फैलने का है। अगर बीमारी फैली तो हालात काबू से बाहर हो सकते हैं। अशरफ बानी, श्रीनगर, आज तक।